बीएससी भाग तृतीय की छात्राओं का जीडी राजकीय महिला महाविद्यालय में स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम इकोसिस्टम की चर्चा कर रहे थे, आज हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करेंगे। पिरामिड ऐसी रचनाएं होती हैं जो कोन शेप में होती हैं, बेस चौड़ा होता है और टॉप इनका पॉइंटेड या नुकीला होता है, अर्थात नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे ये नैरो होते चले जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स पिरामिड कहलाते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड उन रचनाओं को कहते हैं जब इकोलॉजिकल डेटा या आंकड़ों को पिरामिड के शेप में या पिरामिड के रूप में प्रदर्शित किया जाए, जिसमें प्रत्येक ट्रॉफिक स्ट्रक्चर या ट्रॉफिक लेवल को शो करते हुए आंकड़े दिए जाएं। तीन प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड हो सकते हैं। पहला, बायोमास या जीव द्रव्यमान जीव भार का पिरामिड। इसमें इस तरह के पिरामिड में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास उपस्थित होता है, कितना जीव भार उपस्थित होता है, ये प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रोड्यूसर सबसे नीचे होते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और सबसे ऊपर टर्शियरी कंज्यूमर पाए जाते हैं। ये अलग अलग स्तर इस प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो सबसे नीचे क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं और जैव भार उन्हीं का सबसे अधिक होता है, तो इस तरह जो पिरामिड बनता है वो सीधा पिरामिड बनता है। इसके लिए जीवों का भार, किसी भी ट्रॉफिक लेवल के जीवों का भार ज्ञात किया जाता है और ये भार ड्राई वेट शुष्क द्रव्यमान के रूप में ज्ञात किया जाता है और फिर उन्हें क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बायोमास के पिरामिड सीधे पिरामिड होते हैं और जैसा मैंने बताया, प्रोड्यूसर नीचे रहते हैं, बेस चौड़ा होता है, अर्थात सबसे अधिक भार प्रोड्यूसर का होता है, उससे कम भार प्राइमरी कंज्यूमर का होता है और उससे कम भार सेकेंडरी कंज्यूमर का और सबसे कम भार टर्शियरी कंज्यूमर्स का होता है। तो इस प्रकार से बायोमास का पिरामिड जहाँ भी बनाएंगे, चाहे ये ग्रासलैंड हो या फॉरेस्ट हो, ये सदैव सीधा पिरामिड बनता है। दूसरा पिरामिड होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा किस स्तर पर कितनी पाई जा रही है, ये इस तरह के पिरामिड में प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ऊर्जा भार से संबंधित है, जैव भार ही जैव ऊर्जा का संकेतक है। इसलिए ये पिरामिड भी बायोमास जैसा या जैव भार जैसा ही पिरामिड बनता है। इसमें भी प्रोड्यूसर सबसे नीचे होता है और वो सबसे अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है प्रकृति से, उस ऊर्जा का बहुत कम भाग प्राइमरी कंज्यूमर तक पहुंच पाता है और प्राइमरी कंज्यूमर की ऊर्जा का भी बहुत कम भाग सेकेंडरी कंज्यूमर तक पहुंचता है और सेकेंडरी कंज्यूमर की ऊर्जा का बहुत कम भाग टर्शियरी या टॉप कंज्यूमर तक पहुंच पाता है। अगर हम ये माने कि प्रोड्यूसर के पास 100% ऊर्जा है तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास इसका 10% पहुँचेगा और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक इसका सिर्फ 1% 1% ही पहुंच पाएगा और उससे टर्शियरी या टॉप कार्निवोर तक 0.1% ही पहुंच पाएगा, अर्थात हर स्तर पर लगभग 90% का लॉस हो रहा है। तो ये पिरामिड भी सीधा ही बनता है। जैसे जैसे पिरामिड में ऊपर जाते हैं ऊर्जा कम होती हुई चली जाती है, ये सीधा पिरामिड है। तीसरे प्रकार का जो पिरामिड बनता है वो संख्याओं का पिरामिड होता है।
तीसरे प्रकार का पिरामिड संख्याओं का पिरामिड होता है, और इसमें सामान्य इकोसिस्टम में सीधा ही पिरामिड बनता है। प्रोड्यूसर की संख्या अगर सबसे अधिक है तो पिरामिड सीधा बनेगा, और उसके बाद उससे कम संख्या प्राइमरी कंज्यूमर की होगी, उससे कम संख्या सेकेंडरी कंज्यूमर की होगी, और सबसे कम संख्या टर्शियरी कंज्यूमर की होगी। तो ये सीधा पिरामिड बनेगा, जैसे किसी ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो या एक्वेटिक जल का इकोसिस्टम हो, झील का हो, तो ऐसे स्थानों पर पिरामिड सीधा बनेगा। ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स हुए, या पानी में पाए जाने वाले एल्गी हुए, या फाइटोप्लैंक्टन हुए, उनकी संख्या सदैव अधिक रहती है, और इस तरह से जो बॉटम होगा पिरामिड का वो सबसे ब्रॉड या सबसे चौड़ा होगा। उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या कम हो जाएगी, और उससे ऊपर जाएंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या उससे भी कम हो जाएगी, और सबसे ऊपर जाएंगे तो बहुत कम संख्या टॉप कंज्यूमर्स की रह जाएगी। तो ये सीधे प्रकार का पिरामिड, नंबर्स का पिरामिड है। लेकिन संख्याओं का पिरामिड कुछ परिस्थितियों में उल्टा भी बन सकता है, जिसको इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं। अगर हम एक वृक्ष का उदाहरण लें, पेड़ का उदाहरण लें, तो एक बड़ा पेड़ स्वयं बहुत से इंसेक्ट आदि का पोषण करने में सक्षम है। अर्थात प्रोड्यूसर की संख्या तो एक ही है, एक ही वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है जो प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहा है, संख्या एक है खाली, और उसके ऊपर फीड करने वाले, उसको खाने वाले इंसेक्ट की संख्या इससे बहुत अधिक होगी। अर्थात पिरामिड का बॉटम तो छोटा होगा, टेपरिंग होगा, लेकिन उसके ऊपर का जो नेक्स्ट टायर होगा, दूसरा लेवल होगा, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कह रहे हैं, इंसेक्ट कह रहे हैं, उनकी संख्या अधिक हो जाएगी। तो जो बॉटम वाला टायर होगा वो पॉइंटेड होगा, वो छोटा होगा, और उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर वाला टायर चौड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से पिरामिड नीचे पतला शुरू होगा और ऊपर जा कर के चौड़ा हो जाएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर पर। लेकिन फिर अगर हम इसी पिरामिड में और ऊपर जाएं, तो उन बर्ड्स को खाने वाले पक्षी जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, उनकी संख्या, उन इंसेक्ट को खाने वाले बर्ड्स जो वृक्ष के पत्ते हैं उनको इंसेक्ट खा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है, और उन इंसेक्ट को बर्ड्स खा रहे हैं, बर्ड की संख्या इंसेक्ट की तुलना में कम होगी। अर्थात जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, बर्ड्स हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी, पिरामिड फिर ऊपर टेपरिंग होता हुआ पतला होना शुरू हो जाएगा, और बर्ड्स को स्नेक या हॉक, सांप या बाज जैसे पक्षी खाएंगे, तो उनकी संख्या इससे भी कम होगी, और पिरामिड और ऊपर जा कर के फिर से और पतला हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह का जो पिरामिड होगा वो बीच में चौड़ा होगा, और नीचे की तरफ नुकीला होगा, ऊपर की तरफ नुकीला होगा। नीचे प्रोड्यूसर की संख्या कम है इंसेक्ट से, इसलिए वो नुकीला हो गया, और ऊपर बर्ड्स और स्नेक्स की संख्या कम होती चली गई, इसलिए उधर भी नुकीला हो गया। तो इस प्रकार से इस तरह के पिरामिड में प्रोड्यूसर की संख्या कम है, प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या अधिक है, सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या से कम है, और टर्शियरी कंज्यूमर की संख्या सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या से कम है। इसको इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं। ऐसा ही पिरामिड पैरासिटिक इकोसिस्टम में भी बनता है। एक ही होस्ट में बहुत सारे पैरासाइट पाए जा सकते हैं, तो संख्या अगर देखेंगे तो होस्ट की संख्या एक होगी, और इसको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर जो इसके होंगे उनकी संख्या बहुत अधिक होगी। एक व्यक्ति के शरीर में लाखों करोड़ों मलेरिया के पैरासाइट जीवित रह सकते हैं। तो इस तरह से जो पिरामिड बनेगा वो नीचे नुकीला होगा, क्योंकि एक ही होस्ट है, और ऊपर चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस होस्ट पर पलने वाले, उस होस्ट पर फीड करने वाले कंज्यूमर की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। तो पैरासिटिक इकोसिस्टम भी जब नंबर का पिरामिड बनाएंगे तो यहाँ उल्टा या इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। तो इस तरह से पिरामिड्स यहाँ चित्र में दिखाए गए हैं, आप देखेंगे
तो बायोमास और एनर्जी का पिरामिड एक जैसा ही बनेगा, क्योंकि मास और एनर्जी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। जब संख्या का पिरामिड बनाएंगे तो अधिकांश इकोसिस्टम में सीधा बनेगा जैसा यहाँ दिखाया गया है, और लेकिन जैसा कि सबसे नीचे वाले चित्र में दिखाया गया है, जब हम पैरासिटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे या ट्री इकोसिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ ये इन्वर्टेड पिरामिड हो जाएगा, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। ये सबसे नीचे पॉइंटेड है जहाँ पर प्रोड्यूसर दिखाए गए हैं, और जैसे ही ऊपर जाते हैं ये चौड़ा हो जाता है, और उसके ऊपर जाने पर फिर से ये पतला हो जाता है, पिरामिड नैरो हो जाता है, और टॉप पर बिल्कुल ही नैरो हो जाता है। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड है, जो एग्जैक्टली इन्वर्टेड आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबसे नीचे पतला है, बीच में जाकर के फिर से ये चौड़ा हो जा रहा है, लेकिन इसको इन्वर्टेड या उल्टे पिरामिड के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। तो ये हमने आज चर्चा की इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। थैंक यू बच्चों।